महाराज की वाणी आप सभी महापुरुषों को पढ़कर सुनाई जाएगी। सभी ने एकाग्रचित होकर अपने मन को सतगुरु रविदास जी महाराज के चरणों में जोड़ना है और वाणी को सुन करके उस पर अमल कमाने की कोशिश करनी है। बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। सतगुरु रविदास जी महाराज मानवता को पावन उपदेश देते हैं कि प्रभु के नाम सिमरण के बिना जीव का जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा नहीं हो सकता। परम पारस गुरु का मिलाप होने से जहां जीव वहम भ्रम और कर्म कांडों से मुक्त हो जाता है, वहीं इसके मन में सगुण और निर्गुण का एक ही विचार रह जाता है। सतयुग सत त्रेता जुग द्वापर पुंजाचार है, तीनों युग तीनों त्रिणे करी केवल नाम आधार। सतयुग में सच बोलने की प्रधानता थी, यानी कि सच बोलने से इंसान की मुक्ति हो जाती थी। त्रेता युग में यज्ञ करने की और द्वापर युग में पूजा एवं श्रेष्ठ कर्म करने की प्रधानता थी। त्रेता युग में यज्ञ करने से और द्वापर युग में पूजा करने से इंसान की मुक्ति हो जाती थी। तीनों युगों में यह तीनों कर्म दृढ़ थे, नियत थे, पर कलयुग में केवल प्रभु के नाम का ही सहारा है। सतयुग में सत बोलने की प्रधानता थी, त्रेता युग में यज्ञ करने की और द्वापर युग में पूजा की। तीनों युगों में तीनों कर्म वेदों शास्त्रों में नियत किए गए थे। कलयुग में देवी देवताओं का आधार माना जाता है। सतगुरु रविदास जी महाराज जी ने इन चारों युगों प्रधानता को ना मानते हुए मानवता को उपदेश दिया है कि उपरोक्त चारों युगों के कर्म करने से जीव भव सागर से पार नहीं हो सकता। यह बात समझाकर भी कोई कह नहीं सकता। मिंटू यार बात करिए, मिंटू कोई नहीं कह सकता। यह बात समझाकर भी कोई नहीं कह सकता कि इन कर्मों के करने से मुक्ति मिलती है। मुक्ति तो केवल प्रभु प्रेम से मिलती है। पार कैसे पाई गोरे मो सो को न कहे समझाई, जाते आवागमन मिलाए। एक प्रभु के नाम के बिना इस भवसागर और जन्म मरण के चक्कर से किस तरह मुक्त होना है, इस बात की सच्चाई मुझे कोई भी कहकर समझा नहीं रहा। बहुविधि धर्म निरूपिए करता दिशे सब लोही, कवन कर्म ते छुटिए जी साधे सब सदी होई। वेदों और पुराणों में अनेकों प्रकार के धर्म कर्म नियत किए गए हैं। सारे संसार के लोग इन कर्मों को करते भी नजर आ रहे हैं, पर गुरु जी कहते हैं कि यह नहीं बताया गया कि इन अनेकों कर्मों में से कौन सा कर्म किया जाए जिसके करने से सभी सिद्धियां भाव मुक्ति प्राप्त हो। कर्म अकर्म विचार ये संत का सुन वेद पुराण है। संतासन हृदय से कौन हीरे विमान। वेदों और पुराणों को पढ़कर मन में शंका पैदा होती है कि कौन सा कर्म किया जाए और कौन सा कर्म ना किया जाए। इन कर्मों के करने से जीव के मन में भ्रम पैदा होता है। जब तक जीव के मन में भ्रम है तो अहंकार का नाश कौन करेगा। भ्रम ही तो अहंकार को जन्म देता है। बाहर उदक पखारिये गट भीतर विविध विकार है, शुद्ध कवन पर हो भी सुच गुंचर विधि विहार। यदि तीर्थों को ही पापों से मुक्ति का साधन मान लिया जाए तो तीर्थों पर स्नान करने से जीव के शरीर की मैल तो उतर जाती है, पर जीव के मन में जो अनेकों प्रकार के विकार बने रहते हैं वो प्रभु का नाम सिमर किए बिना नहीं धोए जा सकते। फिर जीव कौन से कर्म करने से शुद्ध होगा। जीव का व्यवहार तो हाथी की भांति है। हाथी को चाहे कितना भी हाथ धुला लो पर वह श्रम पर कीचड़ डालकर अपना शरीर पुनः मैला कर लेता है।
रवि प्रकाश रजनी तथा गति जानत सब संसार है, पारस मानो ताबो छुए कनक होत नहीं बात। यह एक महान सच्चाई है कि सूर्य के प्रकाश से रात का अंधकार दूर होता है और इस बात को संसार के सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे ही जब तक जीव के मन में गुरु का ज्ञान गुरु का प्रकाश नहीं होता तब तक अज्ञानता रूपी अंधकार का नाश नहीं होता। इस संबंध में सतगुरु अंगद देव जी वर्णन करते हैं, जेसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार ऐते चानन होंदिया मेरे गुरु बिन घोर अंधार। यदि इस संसार में 100 चंद्रमा पर 1000 सूर्यों की रोशनी हो जाए तो इतनी रोशनी होते हुए भी गुरु के ज्ञान के बिन घोर अंधकार है। जब पारस तांबे के साथ स्पर्श करता है तो उसे स्वर्ण बनने में देर नहीं लगती। सतगुरु नामदेव जी कहते हैं, तुम जे पारस हम जे लोहा संगे कंचन भलैया भैला भाव प्रभु जी, आप संसार में पारस की भांति हो, हम तो संसारिक जीव लोहे की तरह निकम्मे हैं, पर आप जी से मिलने के कारण हम स्वर्ण बन गए हैं। परम परम गुरु भेटिए, परम परस गुरु भेटिए, पूरव लिखत लाट उन्मन मन ही मिले छुटकत बजट कपाट। जीव को परस पारस गुरु उस समय मिलते हैं जब उसके मस्तिष्क पर पूर्व कर्मों के लेख होते हैं। सतगुरु नामदेव जी कहते हैं, जाके मस्तिष्क लिखियो कर्मा सो भज पर है गुरु की शरण। जीव के मस्तिष्क पर श्रेष्ठ कर्मों के लेख होते हैं, वह भागकर संत महापुरुषों की शरण में आ जाता है। इस तथ्य की प्रौढ़ता सतगुरु कबीर जी भी करते हैं, कबीरा साधु संग प्राप्ति लिखिया होई लीलाट। परम पारस गुरु के मिलने से जीव की अज्ञानता के कठोर द्वार खुल जाते हैं और जीव तुरिया अवस्था में पहुंच जाता है। तुरिया अवस्था सत्संगी तुरिया अवस्था कहते हैं ज्ञान की अवस्था को, कि इंसान जो है ज्ञान की अवस्था में पहुंच जाता है। भक्ति जुक्ति मति सती करे ब्रह्म बंधन कटि विकार है, सोई बस रम मन मिले गुण निर्गुण एक विचार। जिन जीवों ने अपने हृदय में भक्ति की युक्ति को सत्य कर जान लिया है उनके सभी भ्रम और विकारों के बंधन काटे जाते हैं और उनके मन को इस तरह का आनंद मिलता है कि प्रभु के निर्गुण सगुण दोनों गुणों का ही विचार रह जाता है। सतगुरु नामदेव जी कहते हैं, गुंगे महा अमृत रस चाखिया पूछे कौन न जाई हो भाव। जिस प्रकार एक गुंगा व्यक्ति गुड़ खाने के बाद उसकी मिठास का बयान नहीं कर सकता, उसी प्रकार ही जो जीव प्रभु के परम आनंद में लीन है वह प्रभु के बारे में बयान नहीं कर सकता। इस संबंध में सतगुरु कबीर जी महाराज कहते हैं, कहे कबीर गुंगे गुड़ खाइया पूछे थे क्या खाइए, अनेक जतन निग्रह किए टारी न डरे ब्रह्म पास, प्रेम भक्ति नहीं उपजे ताते रविदास उदास। सतगुरु रविदास महाराज जी वर्णन करते हैं कि जीव परमात्मा के नाम के बिना अपनी इंद्रियों को विषय विकारों से रोकने के लिए अनेकों प्रयत्न कर ले पर फिर भी ब्रह्म दूर नहीं होता और जीव के मन में प्रेमा भक्ति पैदा नहीं होती, जिस कारण जीव कर्म कांड करता हुआ भी उदास रहता है। तो सत्संग जी सतगुरु रविदास जी महाराज ने इतने अच्छे शब्दों में आप सभी महापुरुषों को समझाया है कि सतगुरु महाराज के जो वचन हैं वो सच्चे हैं। जब तक उन वचनों पर इंसान नहीं चलता तब तक इस भवसागर से कोई आपार नहीं हो सकता। सतगुरु के वचन बहुत ही जरूरी है। हमारा क्या काम है कि जय गुरुदेव तन गुरुदेव, सतगुरु को मानते हैं लेकिन सतगुरु की बात को नहीं मानते, और जब तक हम सतगुरु की बात को नहीं मानते जब तक हमारा विश्वास नहीं है। विश्वास करना सत्संग जी बहुत जरूरी है। एक बार एक नट था, नट आपको पता होगा क्या होता है, जो तुम्हारा